न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में प्रथम चरण का मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रथम चरण में विकास खंड नईगढ़ी, मऊगंज तथा हनुमना में 256 ग्राम पंचायतों में बनाए गए 863 मतदान केंद्रों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद इन सभी पदों के लिए मतगणना का कार्य भी मतदान केंद्रों में संपन्न कराया गया। तीनों विकास खंडों के विभिन्न पदों के मतों का सारणीकरण करके 14 जुलाई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से मतदान का कार्य आरंभ हुआ। प्रातः 9 बजे तक विकास खंड नईगढ़ी में 11.43% मतदान हुआ। नईगढ़ी में प्रातः 11 बजे तक 37.09% तथा दोपहर 1 बजे तक 42.32% मतदान हुआ। विकास खंड मऊगंज में प्रातः 9 बजे तक 13.43%, प्रातः 11 बजे तक 27.77% तथा दोपहर 1 बजे तक 44.59% मतदान हुआ। विकास खंड हनुमना में प्रातः 9 बजे तक 11.04%, प्रातः 11 बजे तक 26% एवं दोपहर 1 बजे तक 41.05% मतदान हुआ। नईगढ़ी विकास खंड में मतदान केंद्र क्रमांक 40 रामपुर भोती में लकवाग्रस्त 97 साल की महिला मतदान लखरजुआ तिवारी ने अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। तीनों विकास खंडों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। मतदान के समय प्रेक्षक श्री आर गंगारेकर, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने दिन भर भ्रमण कर मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए। मतदान के दौरान 62 मोबाइल दलों ने लगातार भ्रमण कर निर्वाचन कार्यों की कानून व्यवस्था की निगरानी की। मतदान के दौरान SDM मऊगंज AP द्विवेदी, SDM हनुमना AK सिंह, SDOP त्योथर समरजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल तथा अन्य राजस्व एवं पुलिस अधिकारी तैनात रहे। मतदान के दौरान सुबह से ही लगभग सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। अधिकांश मतदान केंद्रों में कुछ मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। कई बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने परिवारजनों तथा सहयोगियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिले में लगभग 7 साल के अंतराल के बाद हो रहे पंचायत चुनाव में मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। कई दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नईगढ़ी, देवतालाब, मऊगंज एवं अन्य क्षेत्रों में लगभग 20 मिनटों तक तेज बारिश होने से मतदान की गति धीमी हुई। बारिश रुकने के बाद पुनः मतदान में तेजी आई। मतदान का निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के लिए कतार में खड़े रहे। शाहपुर मतदान केंद्रों में दोपहर 3:15 पर लगभग 300 मतदाताओं की कतार लगी हुई थी। पीठासीन अधिकारियों ने नियमानुसार पर्ची देकर इन सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया। जिन मतदान केंद्रों में भीड़ थी उनमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांतिपूर्वक मतदान तथा मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया।